कि क्रिकेट की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है उनका और उन्होंने बड़े रिकॉर्ड बनाए इंडियन टीम के लिए भी और पूरी इंटरनेशनल में भी उसने बड़े रिकॉर्ड बनाए। ठीक है, अगर उसने टीम में कमबैक किया तो अपने आप को प्रूव करके अपने टेस्ट वगैरह क्लियर करके तो तभी उसने कमबैक किया, तो मुझे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह अगर जब पाकिस्तान का और इंडिया का अगर एशिया कप में होता है टकरा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों बॉलर दोनों टीमों के लिए टफ टाइम देंगे। बस बाबर आजम जब आउट हो गया हम टीवी बंद कर देंगे। क्यों? बाकी वो कोई है ही नहीं प्लेयर के बाबर आजम जैसा कोई खेले। अल्हम्दुलिल्लाह जो नए यंग लड़के आए ना खेलने के लिए अब उन देखें मैं अब बुमराह की पिटाई होते खुद ही देख लेंगे आपको खुद पता चल जाएगा। बुमराह के आने से जैसे कि उनकी रीढ़ की हड्डी माना जाता है बुमराह, इस टाइम उन्होंने कम बैक किया है तो इंडिया की जो टीम है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अपने आप को फेवरेट और अच्छी महसूस कर रही होगी। उनके यॉर्कर अच्छे लगते हैं, उनके पेस भी अच्छी है, उनकी पेस भी सही है। ठीक है, बाकी वो बैट्समैन को टफ टाइम देते हैं हर पिटाई। ठीक है, बुमराह आई नो थिंग मैं नहीं मानता उससे बॉलर जिसका कुछ एक्शन ही नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी को देखें उसका एक्शन है। और ये वाकई क्रिकेट देखने का मजा भी आएगा कि एक अच्छा बॉलर टॉप का जो प्लेयर है वो वापस आया इंडिया का। जैसे अगर आप उनकी पुरानी इनिंग्स देख लें, पुरानी जो उन्होंने बॉलिंग की हुई है मैचेस के अंदर तो उन्होंने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया। ठीक है, सिर्फ सारी उम्मीदें बाबर आजम से ही है हमारी है, बाकी और कोई प्लेयर भी नहीं रह गया मिसबा जैसा, जैसे अफरीदी भी नहीं है। ठीक है, नहीं बढ़ेगी। बेसिकली बुमराह इज़ अ ब्रिलियंट बॉलर, एग्जैक्टली वो उसकी टीम में आने से बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, उनकी जो स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त होगी। अगर वो टीम में आएंगे तो वो उनको उनकी जो बैकबोन कह लें आप स्ट्रॉन्ग होगी। बाकी न्यूट्रली देखा जाए तो बुमराह अच्छा बॉलर है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज़ योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बाहर आए हैं क्रिकेट फैन से बात करने। एक्चुअल में आप देख सकते हैं मेरी सराउंडिंग्स के अंदर बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर्स जो है वो क्रिकेट खेलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं और बड़े ही इंथुजियास्ट हैं। तो आज ही हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग से रिएक्शंस करने वाले हैं इन लोगों के साथ और बहुत मजे की बातें करने वाले हैं क्रिकेट से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड, एशिया कप से, वर्ल्ड कप से, बहुत सारी बातें करेंगे हमारे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप का नाम? मोहम्मद शाहजेब। मोहम्मद उस्मान। उस्मान जी, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। बुमराह इंडियन टीम में कमबैक कर रहे हैं, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? अच्छे तरीके से देखते हैं, वो अच्छा बॉलर है, टफ टाइम देता है हर बैट्समैन को। ठीक है, तो क्या लगता है कि अगर हम लोग देखें एक तरफ है शाहीन, एक तरफ है बुमराह, ओ माई गॉड, एक तरफ है बुमराह, तो किसको सपोर्ट करेंगे आप? बाकी न्यूट्रली देखा जाए तो बुमराह अच्छा बॉलर है। अच्छा बॉलर है, कैसे? आपको क्या अच्छा लगता है उनके यॉर्कर अच्छे लगते हैं, उनके पेस भी अच्छी है, उनकी पेस भी सही है। ठीक है, बाकी वो बैट्समैन को टफ टाइम देते हैं हर पिटाई। अच्छा, तो इस वक्त क्या लगता है कि आपको जो है वो एशिया कप आ रहा है तो पाकिस्तानी कौन सा ऐसा आपको बैट्समैन लगता है जो बुमराह के आगे टिकने वाला है? पाकिस्तानी वो बाबर आजम ही है। सिर्फ सारी उम्मीदें बाबर आजम से ही है हमारी है, बाकी और कोई प्लेयर भी नहीं रह गया मिसबा जैसा, जैसे अफरीदी भी नहीं है। ठीक है, बाकी आज वो बाबर आजम उम्मीद है सारी पाकिस्तानी, कैप्टन भी वही है। नहीं बढ़ेगी। बेसिकली बुमराह इज़ अ ब्रिलियंट बॉलर, एग्जैक्टली वो उसकी टीम में आने से बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, उनकी जो स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त होगी, वो बेसिकली बहुत अच्छा बॉलर है। हम ये नहीं कह सकते हम एज ए पाकिस्तानी भी होके तो हम उसको पीछे छोड़ दें, वो बहुत अच्छा बॉलर है बुमराह, लेकिन है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम के साथ जब उनका मैच होगा तो वो बहुत अच्छा खेलेंगे पाकिस्तान टीम में बुमराह को, स्पेशली बाबर आजम बहुत अच्छा खेलेगा उसको। जैसे अगर आप उनकी पुरानी इनिंग्स देख लें, पुरानी जो उन्होंने बॉलिंग की हुई है मैचेस के अंदर तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया। ठीक है, अपनी टीम के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया और बहुत सी फतवाहत दिलाई हैं, अपनी टीम को मैच जितवाई हैं, तो अगर तो मेरे लिहाज से तो बहुत सूटेबल होगा, फ़ायदेमंद है उनके लिए, टीम के लिए, इंडियन टीम के लिए, कि जो है ना अगर वो टीम में आएंगे तो वो उनको उनकी जो बैकबोन कह लें आप स्ट्रॉन्ग होगी। नो जी, ऐसी कोई बात नहीं, शाहीन शाह अफरीदी इज़ वेरी गुड बॉलर और इस पर वो टॉप क्लास बॉलर है भाई। बुमराह आई नो थिंग मैं नहीं मानता उससे बॉलर जिसका कुछ एक्शन ही नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी को देखें उसका एक्शन है। अभी वो इंग्लैंड का जो बॉलर है स्टीवर्ट ब्रॉड, उसने उनके बारे में कहा कि वो मेरे पसंदीदा बॉलर हैं, इंग्लिश प्लेयर उनकी तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, बुमराह की तारीफ की किसी ने? बताएं। इवन हमारे वसीम अकरम ने बोला था कि शाही बुमराह हमें वाहिद एक ऐसे प्लेयर लगते हैं, बॉलर लगते हैं जो एक ओवर में चार यॉर्कर मार सकते हैं। नहीं जी, ठीक है, एक ओवर में चार यॉर्कर कह रहे हैं, वो छः भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मगर हमारे पास भी ऐसे बैट्समैन हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो नए यंग लड़के आए ना खेलने के लिए, अब उन देखें मैं अब बुमराह की पिटाई होते खुद ही देख लेंगे आपको खुद पता चल जाएगा। जी बुमराह के जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिकेट की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है उनका
और उन्होंने बड़े रिकॉर्ड बनाए इंडियन टीम के लिए भी और पूरी इंटरनेशनल भी उसने बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। तो जो कि थोड़ा सा इंडियन की टीम थोड़ी सी कमज़ोर थी, लेकिन मुबरा के आने से जैसे कि उनकी रीढ़ की हड्डी माना जाता है मुबरा, इस टाइम उन्होंने कमबैक किया है तो इंडिया की जो टीम है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अपने आप को फेवरेट और अच्छी महसूस कर रही होगी। और ये वाकई क्रिकेट देखने का मज़ा भी आएगा कि एक अच्छा बॉलर टॉप का जो प्लेयर है वो शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस बुमराह, आप किस तरह से देखते हैं? ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी। क्यों? एक तो पहले से हम शाहिद अफरीदी के फैन थे और अफरीदी को हमसे वैसे ही उधर से ही प्यार हो गया, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको पाकिस्तानियों का दिल जीते और हमारे साथ हमारा बेसिकली एज ए न्यूट्रल मैं तो बेसिकली शाहीन शाह अफरीदी को प्रेफर करूँगा कि वो मोस्टली हमारे लिए एटम बम है वो हमारा पाकिस्तान का, ठीक है, वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन बुमराह को भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, वो अच्छा बॉलर है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो अच्छा बॉलर है उसकी करनी चाहिए कैपेबिलिटी उसमें है अच्छी, ठीक है उसको सोचते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह बहुत अच्छा खेलेगी एशिया कप में इंडिया के खिलाफ। अभी अगर करंट सिचुएशन के मुताबिक देखें तो शाहीन शाह अफरीदी जो है ना, क्योंकि वो इस टाइम कंटिन्यूसली परफॉर्म में है, वो लीग्स भी खेल रहे हैं, वो टीम की तरफ से भी खेल रहे हैं। अब जैसे रिसेंटली श्रीलंका के साथ टेस्ट मैच है, उसमें भी माशाल्लाह उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, और लाइक बुमराह उसमें नो डाउट वो अच्छा बॉलर है, ठीक है, अगर उसने टीम में कम बैक किया तो अपने आप को प्रूव करके अपने टेस्ट वगैरह क्लियर करके तो तभी उसने कम बैक किया, तो मुझे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह अगर जब पाकिस्तान का और इंडिया का अगर एशिया कप में होता है टाकरा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों बॉलर दोनों टीमों के लिए टफ टाइम देंगे। बस बाबर आजम यहाँ पे आउट हो गया, हम टीवी बंद कर देंगे। क्यों? बाकी कोई है ही नहीं प्लेयर के बाबर आजम जैसा कोई खेले। बाकी जब बुमराह जब बॉलिंग करा रहा था बाबर आजम पेस बैटिंग में ना कर रहा हो, क्योंकि वो बुमराह फुल फॉर्म में आएगा, वो नया ना अब आया वो, तो बाबर आजम यहाँ पे आउट हो गया, वो पाकिस्तान का डेड हो जाएगा। पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बुमराह इज बेस्ट है या हमारे प्लेयर इज बेस्ट है? अच्छा, बुमराह की पिटाई कौन कर सकता है हमारी क्रिकेट टीम में? कौन से ऐसे बैट्समैन हैं जो बुमराह को कुछ समझेगी नहीं? इंशाल्लाह जी, ये बाबर आजम है, बाबर आजम इज वेरी गुड, कैप्टन भी अच्छे हैं और प्लेयर भी अच्छे, और इस वक्त दुनिया उन्हें मानती है। को कैसे समझते हैं आप? लाइक अब वो इंडियन लाइक कंपैरिजन विद शाहीन शाह अफरीदी इज नॉट गुड। क्यों? क्या रीजंस है, किन बेसिस पे? शाहीन शाह अफरीदी के जो अभी काउंटी लीग भी खेल रहे हैं, जो इंग्लैंड में जाके हंड्रेड्स लीग खेल रहे हैं उसमें अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जबकि बुमराह दो साल से अनफिट है और अभी तक फिट नहीं हुआ खेलने के लिए। लेकिन अभी अब फिट हो चुके हैं, वो इंडियन टीम में वापस भी आ गया, आयरलैंड की कैप्टेंसी भी कर रहे हैं। फिर भी हम यही सोच रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी दो साल से लगातार खेल रहे हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें उस पर एतमाद पूरा। हमारे बैट्समैन में कौन है जो उनके सामने टिक जाएगा? इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम बेस्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत अच्छी जो है ना वो मतलब के फॉर्म में जा रही है और अच्छे रिकॉर्ड माशाल्लाह उनके आ रहे हैं और अच्छे अच्छे प्लेयर आ रहे हैं। जैसे कि सऊद शकील की बात करें, सलमान रियागा है, उसके बाद सबसे बेस्ट हमारे जो किंग हैं बाबर आजम, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मजे हमें उम्मीदें हैं। इंडिया की टीम में रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, लेकिन हमारे पास भी बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है और इसके अलावा भी मोहम्मद हारिस, बहुत ज़्यादा प्लेयर ऐसे हैं कि जो हमारी पाकिस्तान टीम को लीड कर सकते हैं। इस वक्त देखें वो विकेट पे वो भी स्टे करते हैं और जब वो स्टे करते हैं ना तो फिर टीम को वो विनिंग स्कोर करके देते हैं। विकेट पे खड़े हों फिर विनिंग स्कोर भी तो करके देना, उसका मतलब ये अब जो नए लड़के आए हैं माशाल्लाह, इनमें से बहुत सारे अब्दुल्ला है, ये जाहिर लड़का है, कामरान है, ये नए जो लड़के हैं इंशाल्लाह ये स्कोर करेंगे और बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह। वो उन्हें खौफ है पाकिस्तान से पहले ही इंडियन टीम को। अच्छा। अगर इतने वो अच्छे होते तो पाकिस्तान में आगे खेलते? डेफिनेटली क्यों नहीं हो सकते, अच्छा बॉलर है और वो माजी के अंदर उसने अच्छी अपनी परफॉर्मेंसेज दिखाई हैं, तो इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि वो टफ टाइम देगा। तो फिर बुमराह के सामने खड़े होने वाले हमारे बैट्समैन में कौन से ऐसे बैट्समैन हैं? सबसे पहले बाबर को छोड़ के, क्योंकि जिनसे मैंने पूछा वो सारे बाबर 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 करी जा रहे हैं। डेफिनेटली क्योंकि आइकॉन बन गया हमारा, ठीक है, सबसे पहले अगर बाबर के करते हैं तो फिर मेरी नज़र में है फखर जमान। ठीक है। इतना सोचा क्यों है आपने? क्योंकि पहले आने लगा था रिजू भाई, रिजवान भाई, ठीक है, सीधी सी बात है, तो फखर है, रिजवान है, ठीक है, उसके बाद अपने चाचू हैं, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हमारे तकरीबन तीन चार ऐसे लड़के हैं जो इजीली बुमराह को फेस करेंगे और उसके खिलाफ परफॉर्मेंस देंगे। जी हाँ जी, बुमराह जो है बेसिक बैकबोन है इंडिया टीम का, ठीक है, बैकबोन है इंडिया टीम का, वो बहुत अच्छा बॉलर है, वो उसने तो ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत टफ टाइम दिया हुआ है, तो बेसिकली ज़्यादा मतलब ईजी नहीं ले सकती पाकिस्तान टीम बुमराह को, तो ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि उसको सेफली खेलें। अच्छा, हमारी बैटिंग लाइन के अंदर कौन है ऐसा जो बुमराह को फेस करना जो है वो अच्छे से जानता होगा? फखर जमान है, बाबर आजम है, ठीक है, उसके बाद मोहम्मद आसिफ जो है जिसे चाचा जी कहते हैं। वो